गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ दिन पर महाराष्ट्र के चुनावी जंग का आगाज करते हुए कई बड़े नेताओं ने शक्ति जुलूस के साथ नामांकन दाखिल किया। इस बार राज्य की जंग बड़ी है, दल कई सारे हैं, इसलिए उम्मीदवारों की रैलियों में जोश भी दोगुना है। महाराष्ट्र की चुनावी जंग का आगाज इन झलकियों के साथ हुआ। हर नेता रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाते हुए नामांकन भरने पहुंचा। फूलों की बारिश और भारी भीड़ के साथ आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से नामांकन किया। यस येनार येनार, तो यही प्यार है देखो। और ये कहीं कहीं से दाढ़ी साथ कर रहा है, कोई बिल्डिंग साथ कर रहा है, कोई जाल साथ कर रहा है, यही तो प्यार है। वही महाराष्ट्र के मंत्री और कोथरूड विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल की ये रैली किसी विजय जुलूस से कम जोशीली नहीं थी। कोथरूड वासी नाराज नहीं थे, कुछ लोग नाराज थे। उन लोगों की नाराजगी तो दूर करने में यशस्वी हुआ कि भाई मैं किसी का स्पर्धक नहीं हूँ। साथ साथ कोथरूड वासियों को लग रहा था कि भाई ये मिलेगा कि नहीं, ये तो राज्य का अध्यक्ष है, राज्य के बड़े बड़े खातों का मंत्री रहता है, तो कोथरूड के लिए समय दे पाएगा कि नहीं। लेकिन आई वॉज एंड आई एम इजिली अवेलेबल टू एनीवन। इधर सीनियर पवार की मौजूदगी में एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार जितेंद्र आवाड ने भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलवा मुमरा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। मुस्लिम बहुल सीट के लिए प्रचार का आगाज इस पूजा पाठ के साथ हुआ और खुद को नास्तिक बताने वाले शरद पवार भी इसमें शामिल हुए। सहयोग कैसा मिला है तो वो तो आपको मालूम, आपने जुम देखा है, आपने मजमा देखा है। बड़ली निर्वाचन क्षेत्र ने भी ध्यान खींचा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और अजीत पवार गुट के नेता धनंजय मुंडे ने यहीं से अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनकी बहन और बीजेपी विधायक पंकजा मुंडे और पूर्व सांसद प्रीतम मुंडे की मौजूदगी अहम रही। यही वो सीट है जहां से 2019 में धनंजय मुंडे ने पंकजा मुंडे को करीब 32,000 वोटों से हराया था। मुझे खुशी है कि मेरा नामांकन पर्चा दाखिल करते वक्त मेरे साथ मेरी बहन पंकजा मुंडे और साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र की लाडली बहनें साथ में थीं। 2009 के विधानसभा चुनाव में जब पंकजा ताई उम्मीदवार थीं, तब मैं खुद उनका नामांकन पर्चा भरने के लिए मौजूद था और आज वही पल आया है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले लिस्ट जारी करने वाली बीजेपी के कई आला उम्मीदवारों ने गुरुवार को पर्चा दाखिल किया। मलाबार हिल से मंगल प्रताप लोढ़ा, मुलुंड से मिहिर कुटेचा, अंधेरी पश्चिम से अमित साटम, विले पार्ले से पराग अलवानी के साथ ही कांदिवली पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार अतुल भातखलकर ने मुंबई की सड़कों को चुनावी रंग में रंग दिया। आप देख रहे जनसैलाब उमड़ पड़ा है नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, तो मुझे लगता है 1,00,000 से भी ज्यादा मतों से मैं भारतीय जनता पार्टी और महायुति का उम्मीदवार के नाते इस विधानसभा से जीतूंगा। बड़े चेहरों में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, अंबेगांव सीट से अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, येवला सीट से छगन भुजबल, शिरडी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और पांचवी बार विधानसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस नेता विधायक यशोमती ठाकुर ने अमरावती की तिवसा सीट से उम्मीदवारी दाखिल करने से पहले विशाल और दमदार प्रदर्शन किया। दिवाली से पहले गुरुवार का दिन साल का आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र कई शुभ कार्यों के लिए महामुहूर्त समझा जाता है। ऐसे में सीटों की खींचतान के बावजूद दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने नामांकन के तीसरे दिन शक्ति प्रदर्शन करते हुए पर्चा भरा। मुंबई से सुनील सिंह और पारस धामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।